फ्रेंड्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट की, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आइए अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट, इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में जो बिजनेस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और बिजनेस पर इनका पूरा पूरा कंट्रोल भी होता है। ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, की बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, की बिजनेस में क्या क्या पॉलिसीज अप्लाई की गई हैं या वो क्या अपनाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी की, एक बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन मेथड की वो किस मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो उनका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की मैनेजमेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका कंपोजिशन किस तरीके से हो रहा है, मैनेजरियल एटीट्यूड जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट लेवल है उनका एटीट्यूड कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे वर्कर्स, लेबर फोर्स जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके के हैं और उनके फीचर्स किस तरीके के हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एग्जिट आउटसाइड द बिजनेस एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और ये बिजनेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बिजनेस के अंदर नहीं होते और इनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं हमारे ऐसे सारे फैक्टर्स। अब आगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी दो पार्ट्स हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, ये हमारा पहला पार्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, पहला पार्ट है माइक्रो एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। माइक्रो एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो हर बिजनेस को बहुत ही क्लोजली अफेक्ट करते हैं और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं हमारी मार्केट में, जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं हमारी मार्केट में, उन सबको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कस्टमर्स, अगर किसी पार्टिकुलर बिजनेस का एक कस्टमर, उसको उसका एक रेगुलर कस्टमर है जो उसको छोड़ के चला जाता है, तो इससे सिर्फ वही अफेक्ट होगा वो जिसका कस्टमर था, बाकी की बिजनेस यूनिट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये सबको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे सप्लायर्स, किसी को कोई रेगुलर सप्लायर है या कोई एक ही सप्लायर है किसी बिजनेस यूनिट का, अगर वो सप्लाई करना उसको बंद कर दे तो सिर्फ वही बिजनेस यूनिट इफेक्ट होगी जिसको उसने सप्लाई करना बंद किया है, बाकी की मार्केट में जितनी भी बिजनेस यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन पर उसका कोई असर नहीं होगा। कॉम्पिटिटर्स, भाई किसी एक प्रोडक्शन, कोई कंपनी है, कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, उसी का कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो इससे सिर्फ वही इफेक्ट होगा जो उस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, बाकी की बिजनेस यूनिट पर कोई असर नहीं होगा। अब पब्लिक है कि भाई पब्लिक की इमेज में सबकी बिजनेस यूनिट्स अलग अलग, जितनी भी बिजनेस यूनिट्स हैं हमारी मार्केट में सबकी इमेज अलग अलग होती है, तो कौन पब्लिक किस बिजनेस यूनिट को किस तरीके से ट्रीट कर रही है इसका भी अफेक्ट सब पर अलग अलग होता है। मार्केट इंटरमीडियरीज, मार्केट में जो इंटरमीडियरीज जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, तो इन सब का भी सब पर अलग अलग अफेक्ट होता है। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मैक्रो एनवायरनमेंट, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच हैव अ डिस्टेंट रिलेशन विद बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस अ बिजनेस यूनिट्स ऑलमोस्ट इन द सेम वे। मैक्रो एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो किसी भी बिजनेस यूनिट को दूर से ही अफेक्ट करते हैं और ऑलमोस्ट हर बिजनेस यूनिट को एक ही तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि बात करा जाए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल में अगर हमारी कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई या उसने कोई न्यू पॉलिसी बनाई तो वो सबके लिए अप्लाई होगी, सबके लिए लागू होगी। वो ऐसा नहीं है कि अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है या गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई नई पॉलिसी बनाई तो वो सिर्फ एक ही बिजनेस यूनिट के लिए स्पेशली बनाएंगे, वो सबके लिए होगी। तो ये क्या है, सबको सेम वे में अफेक्ट करता है। ये क्या है, हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट, और इसको हम जनरल एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।